इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जी वॉन जून को बाइक लेकर जा रही होती है, तभी जोरो की बिजली कड़कती है जिससे जून को कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है और वो काफी डर जाता है। उसका चेहरा देखकर जी वॉन कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जून अचानक जी वॉन को हग कर लेता है और कहता है, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। इससे जी वॉन काफी हैरान रह जाती है और कहती है, जून क्या हुआ है? जून फिर पीछे हट जाता है और उसको हग करने के लिए माफी मांगता है और कहता है, आज के बाद तुम जाते वक्त मुझे बाइक कभी मत कहना। तो जीवन कहती है, ठीक है मैं नहीं कहूंगी। जून कहता है, अब मैं ठीक हूँ तो तुम जा सकती हो, इस योग तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जून को देखकर जीवन को समझ आ जाता है कि वो इस वक्त ठीक नहीं है। फिर अगले सीन में हम जीवन को इस योग के साथ जाते हुए देखते हैं, पर जीवन जून के बारे में ही सोच रही होती है, उसको लेकर चिंतित होती है, तो वो इस योग को गाड़ी रोकने को कहती है। इस योग पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, तो जीवन कहती है, मुझे कुछ काम है, तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जीवन छाता लेकर निकल जाती है। वो वापस से जून के घर आती है तो वो जून को गिटार प्ले करते हुए देखती है। वो काफी अच्छा बजा रहा होता है जो देखकर जीवन सरप्राइज्ड रह जाती है। जीवन को वहाँ पर देखकर जून हैरान रह जाता है और पूछता है कि वो घर क्यों नहीं गई। तो जीवन कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। ये सुनकर जून को काफी अच्छा लगता है। फिर वो जून के पास आकर बैठ जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है कि वो तो काफी अच्छा गिटार प्ले कर लेता है। तो जून कहता है, मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ, पर मेरा एक दोस्त था जो कि बहुत ही अच्छा बजाता था। फिर जीवन कहती है, जून अगर तुम्हें कोई दुख है तो तुम मुझे बता सकते हो। दुख शेयर करने से वो कम तो नहीं होता है, पर थोड़ा रिलीफ जरूर मिलता है, इसीलिए तुम अपना दुख मुझसे शेयर कर सकते हो। ये सब सुनकर जून को काफी अच्छा लगता है। फिर हम इसियोक को देखते हैं जो कि जीवन के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो ऐसे क्यों चली गई, आखिर चल क्या रहा है। जून और जीवन बैठकर एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं और बात करते करते जीवन सो जाती है। जून उसको कंबल उड़ा देता है और उसके पास बैठकर उसको देखने लगता है। अगले दिन जब जीवन सोकर उठती है तो जून घर पर नहीं होता है। जून जीवन के लिए टेबल पर ब्रेकफास्ट रखकर गया होता है जो देखकर वो काफी खुश हो जाती है और मजे से खाती है। फिर हम जून को देखते हैं जो कि मिस्टर पार्क से मिलने आता है। वो मिस्टर पार्क के घर में ही रह रहा है। मिस्टर पार्क काम कर रहे होते हैं तो जून कहता है, आपकी उम्र हो चुकी है तो अब आपको काम छोड़कर आराम करना चाहिए। तो मिस्टर पार्क कहते हैं, पहले तो तुम बहुत ही शांत रहते थे, पर अब काफी बोलने लगे हो और स्माइल भी करने लगे हो, तो क्या तुम उस लड़की को इतना ज्यादा पसंद करते हो? जून कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जून को जीवन का कॉल आता है तो मिस्टर पार्क स्माइल करने लगते हैं। जीवन उसको ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स कहती है। तो जून कहता है, मैंने जो मीमो छोड़ा था क्या तुमने पढ़ा? जीवन मीमो पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, फ्लोर को क्लीन कर देना, डिशेज धो देना और बेड को भी ठीक कर देना। जीवन कहती है, तुमने मुझे खाना इसलिए खिलाया ताकि मैं ये सारे काम करूं? जून कहता है, मैं काफी बिजी हूँ और फोन काट देता है। मिस्टर पार्क जून से पूछते हैं कि पियानो एकेडमी कैसा चल रहा है। तो जून कहता है, अभी तो नहीं चल रहा है, पर धीरे धीरे चलने लगेगा। उसके बाद हम मिस किम को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आई होती हैं। बीच पर जो डेड बॉडी मिली थी वो उनके बेटे का नहीं था, इसीलिए वो ऑफिसर को जल्दी से जून को ढूंढने को कहती है। जीवन मिस जिन और उनके फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर रही होती है, तभी उसको पता चलता है कि उसके एकेडमी में एक स्टूडेंट आया है। जब वो एकेडमी में जाती है तो हमें पता चलता है कि वो स्टूडेंट तो मिस्टर पार्क हैं। जीवन को याद आ जाता है कि इसी ओल्ड मैन ने उसको एक सॉन्ग प्ले करने को कहा था। मिस्टर पार्क कहते हैं, मुझे वही म्यूजिक प्ले करना सीखना है जो कि मैंने तुमसे कुछ दिन पहले प्ले करने को कहा था। उसी वक्त वहाँ पर मिस जिन आती है तो उनसे जीवन को पता चलता है कि मिस्टर पार्क इस बिल्डिंग के ओनर है। ये जानकर जीवन शॉक्ड जाती है। उसके बाद हम सैंग जी और हायंग को देखते हैं जो कि एग्जाम देने के बाद घर लौट रहे होते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि सैंग जी बचपन से ही हायंग को लाइक करता है, पर हायंग उसकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाती है, बल्कि हायंग तो जून पर फिदा है।
हायंग डिसाइड करती है कि वो जून से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगी। ये जानकर सैंग जी को अच्छा नहीं लगता है। फिर हम जून को कैफे में काम करते हुए देखते हैं। कैफे में ईसियोक बैठा होता है और जून को ही देख रहा होता है। तो जून उसके पास आता है और पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। ईसियोक कहता है, तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि कल जीवन ने मुझसे कहा था कि तुम बीमार हो, पर तुम्हें यहाँ पर काम करते देखकर लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। तो जून कहता है, मैं ठीक नहीं हुआ हूँ क्योंकि मैं बीमार ही नहीं था। ये जानकर ईसियोक हैरान रह जाता है। तभी ईसियोक को किसी का कॉल आता है तो वो चला जाता है। दरअसल ईसियोक से मिलने उसकी एक्स वाइफ यून आई होती है। यहाँ पर उन दोनों में काफी सारी बातें होती है। यून को ईसियोक से पता चलता है कि वो पियानो क्लासेस ले रहा है और पियानो ट्यूटर एक लड़की है। इससे यून क्यूरियस हो जाती है कि वो लड़की है कौन और कैसे दिखती है। तो जब ईसियोक पियानो क्लासेस के लिए जाता है तो यून उसका पीछा करती है। परमिस जिन की वजह से यून जीवन को नहीं देख पाती है। परमिस जिन से यून को पता चल जाता है कि पियानो ट्यूटर काफी खूबसूरत है। पियानो लेसन्स के बाद ईसियोक जीवन को डिनर पर चलने को कहता है। तो जीवन हाँ कर देती है, पर वो उसको लेकर जून के कैफे आ जाती है। वहाँ पर सैंग जी और हायंग भी मौजूद होते हैं। तो वो चारों ही साथ बैठकर खाना खाते हैं। वो चारों ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ईसियोक उनको बताता है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, बल्कि वो हर चीज में बहुत अच्छा था। उन तीनों को लग रहा होता है कि ईसियोक की जरूर कोई गर्लफ्रेंड होगी। तो ईसियोक उनको बता देता है कि वो शादीशुदा था, पर अब उसका डिवोर्स हो चुका है, इस हिसाब से वो इस वक्त सिंगल है। ये बात जानकर वो तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जब वो सभी लोग घर जा रहे होते हैं तो जीवन और ईसियोक एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और काफी स्माइल कर रहे होते हैं, जो देखकर जून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वही हायंग जून से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाली होती है, जो देखकर सैंग जी बहाना बनाता है कि उसको बाथरूम जाना है और वो जून को अपने साथ लेकर चला जाता है, जिससे हायंग का प्लान फेल हो जाता है। जब हायंग और जीवन घर पहुंच जाते हैं तो नीचे से एक आदमी उनके घर की तरफ देख रहा होता है, पर हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। फिर हम जून को घर पे देखते हैं। वो जीवन से बात करना चाह रहा होता है, पर उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो उसको क्या मैसेज करे। इसीलिए हिम्मत करके वो सीधा उसको कॉल ही कर देता है। तो जीवन उसको बताती है कि उसकी कार रिपेयर हो चुकी है, तो कल कार लेने जाना है। जीवन को गुड नाइट कहने में जून काफी शाय फील कर रहा होता है। इस वजह से जीवन को काफी हंसी आती है। अगले दिन मिस किम उस आदमी से मिलती है जिनको उन्होंने जून को ढूंढने का काम सौंपा है। उसका नाम डेविड है। मिस किम डेविड को बहुत ज्यादा बातें सुनाती हैं और जल्दी से जून को ढूंढने को कहती हैं। फिर वो डेविड को कुछ पैसे देकर चली जाती हैं। फिर हम जीवन को देखते हैं जो कि कॉफी खरीदने आती है, तो उसकी मुलाकात डेविड से होती है। डेविड उसके एकेडमी के पैम्पलेट को देख रहा होता है, तो जीवन को लगता है कि ये आदमी इंटरेस्टेड है, तो वो उसको एकेडमी ज्वाइन करने के लिए पूछ लेती है। डेविड कहता है, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा, और चला जाता है। जून ने भी उन दोनों को बात करते हुए देख लिया था, तो वो जीवन से कहता है, अनजान आदमी से बात करना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए फिर कभी ऐसा मत करना। फिर जीवन और जून गैरेज आते हैं कार लेने के लिए। जीवन कहती है कि वो एक दिन इस कार के साथ रहेगी, फिर अगले दिन बेच देगी। जीवन जून को ड्राइव करने को कहती है, तो जून बताता है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है। तो जीवन ही कार ड्राइव करती है और जून को काम पर छोड़ देती है। रात को जीवन अपने कार में ही सोती है, क्योंकि वो इस कार से बहुत ज्यादा ही अटैच्ड हो गई है। फिर अगले दिन जीवन अपनी कार को बेचने आती है। सभी काम हो चुका होता है, सारे पेपर्स भी रेडी होते हैं, पर जीवन का साइन करने का मन ही नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो कार नहीं बेचना चाहती है। पर अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सोचकर पेपर साइन करने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर जून आ जाता है और उसको रोक लेता है। वो जीवन को कार नहीं बेचने देता है। वो जीवन से कहता है कि वो जितना टाइम लेना चाहती है ले सकती है, उसका जब मन करे तब वो पैसे लौटा सकती है। ये जानकर जीवन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जून कहता है, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरा ड्राइवर बनकर रहना होगा। मुझे कहीं भी जाना आना होगा तो तुम्हें अपनी कार से मुझे छोड़ना होगा। जीवन मना नहीं करती है, वो इसके लिए मान जाती है।
फिर वो दोनों एक जगह पर आते हैं जहाँ से शहर का खूबसूरत नजारा दिख रहा होता है। यहाँ पर जून कहता है, मैंने कार बेचने से तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि मुझे पता है कि अपनी कीमती चीज खोकर कैसा लगता है। वो ये भी बताता है कि उसने अपने जिस फ्रेंड के बारे में बताया था वो मर चुका है। वो काफी इमोशनल हो जाता है तो जीवन कहती है, अगर तुम्हें रोने का मन करे तो रो लेना चाहिए क्योंकि इससे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। ये सुनकर जून काफी रोने लगता है और उसको रोते देखकर जीवन को भी रोना आ जाता है। अगले दिन ईसियोक सियोल के हॉस्पिटल में कुछ काम से आया होता है तो वहाँ पर उसका फ्रेंड मिल जाता है जो कि उसी हॉस्पिटल में काम करता है। हॉस्पिटल के दीवार पर एक फोटो के अंदर ईसियोक जून को देखता है तो अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या वो इसको जानता है। तो उसका फ्रेंड बताता है कि ये डायरेक्टर का इकलौता बेटा है जिसको वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। इस वक्त वो 12th ग्रेड में है। ये सब जानकर ईसियोक शॉक्ड जाता है। ईसियोक को याद आ जाता है कि वो एक बार जून से टकराया था इसीलिए उसको वो जाना पहचाना लग रहा था। फिर हम जीवन और जून को देखते हैं। जीवन को लगता है कि जून की हाइट थोड़ी बढ़ गई है तो वो उसकी हाइट चेक करने लगती है कि इस उम्र में उसकी हाइट कैसे बढ़ सकती है। जीवन जून के काफी करीब होती है इस वजह से वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। हाइट चेक करने के चक्कर में जीवन गिरने वाली होती है तो जून उसको पकड़ लेता है। वो दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं और एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज ये पार्ट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक डिसलाइक आपका जो मन करे कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।